कुछ लोगों ने बना करके, चूंकि प्रधानमंत्री का आह्वान है कि ड्रोन पे बहुत फोकस है, ठीक है, तो आम नागरिक को तो पता ही नहीं है कि ड्रोन के लिए लाइसेंस भी लेना है, किस ड्रोन के लिए लाइसेंस लेना है, किस ड्रोन को कहाँ देना है, ये किस टाइप का ड्रोन है। तो ड्रोन फेडरेशन इस मामले को सरकार को और जनता को गुमराह कर रही है। जिस ड्रोन की मैं बात कर रहा हूँ वो मिलिट्री में भी जाती है, सरकार के यहाँ भी जाती है, तो क्या इस तरह से ये कानूनों का पालन कर रहे हैं ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया? मुझे संदिग्ध लग रहा है, इसकी जानकारी मैं बार बार दे रहा हूँ, किसकी जांच करनी चाहिए। अब जैसे ये भी जानकारी मिली है कि जैसे लाइसेंस इन लोगों के पास नहीं है, जिन लोगों से उड़वा रहे हैं, जिन जो इनके पायलट हैं उनके पास उचित लाइसेंस नहीं है, ये भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया का पालन कर रहे हैं, ये मेक इन चाइना का पालन कर रहे हैं, सारे पार्ट्स इनके चाइना का है। तेज प्रताप सिंह, समाजवादी जनता पार्टी मध्य प्रदेश का संगठन सचिव हूँ, और पिछले 18 महीने से DFI ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया जो प्राइवेट संस्था है, जिनके कुछ संदिग्ध मामले हैं उनको देने के लिए मैं आया था। क्या संदिग्ध मामले हैं? संदिग्ध मामले ये हैं कि ये फर्जरी पेपर और फर्जरी जानकारी दे करके अधिकारियों को, भारत सरकार को अंधेरे में रख करके अपना काम कर रहे हैं। अब इसमें शामिल है, इसमें इसमें आपको राहत कुल श्रेष्ठ नाम का एक आदमी है, विपुल सिंह है, और एक कोई ऋतु कोई साहा है। तो ये लोग मिल करके पहले दुबई से इन लोगों ने शुरू किया और फिर यहाँ भी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। तो इसकी सारी जानकारी मेरे पास थी, तो मैं 18 महीने पहले जंतर मंतर पर भी एक दिन उपवास किया था और प्राइम मिनिस्टर को मैं यहाँ BGCA को देने के लिए आया हूँ। समस्या क्या आ रही है ये बताइए। समस्या ये है कि गैर कानूनी ढंग से कोई कंपनी काम करे तो उस पर रोक लगना चाहिए, ये काम DGCA का है। DGCA के संज्ञान में अभी तक आया कि नहीं आया, हम कई बार यहाँ ले आकर के अपना शिकायत पत्र दिए सबूतों के साथ, और वो क्या DGCA की जानकारी में है, ये आपको पता है या नहीं? अब ये हमको कैसे पता चलेगा? तो आपने इस बात को पता करने के लिए कोई प्रयास किया है? हम प्रयास किए, पिछले 18 महीने से आप बता रहे हैं कि एक बार यहाँ से फ़ोन से बात हुआ तो बोले कि जांच चल रही है, बस इतना ही पता है। क्योंकि हम मध्य प्रदेश से आते हैं तो अब क्या है कि आ करके प्रोग्राम बनाना, फिर इंतज़ार भी करना कि हो सकता है कोई कार्रवाई हो गई हो। क्या DGCA की भी मिली भगत है, ऐसा कुछ है? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा, ये बताइए सर, आपने जो एप्लीकेशन दिया इसका कोई रिवर्ट इन्होंने दिया आपको? नहीं, हमको कोई नहीं। कितने दिन तक पहले आपने यहाँ पे एप्लीकेशन दी थी? 18 महीने पहले दिया था। उसके लिए RTI, उसके बाद भी बीच में RTI भी लगाई आप? बनाया और सारा जानकारी इनको दिया। आपको क्या लगता है जानकारी क्यों नहीं आपको दी जा रही है? हो सकता है कि जाँच कर रहे हों या बहुत सारे शिकायत हों तो देर लग रहा हो, ये भी हो सकता है। सर, हम ये जानना, जल्दी से जांच हो। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने पूरी बातचीत में अगर कोई आम नागरिक इसको देखे तो वो क्या समझे, क्या है पूरा मामला, क्या है? ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो एक प्राइवेट संस्था है, कुछ लोगों ने बना करके, चूँकि प्रधानमंत्री का आह्वान है कि ड्रोन पे बहुत फोकस है, ठीक है, तो आम नागरिक को तो पता ही नहीं है कि ड्रोन के लिए लाइसेंस भी लेना है, किस ड्रोन के लिए लाइसेंस लेना है, किस ड्रोन को कहाँ देना है, ये किस टाइप का ड्रोन है। तो ड्रोन फेडरेशन इस मामले को सरकार को और जनता को गुमराह कर रही है। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, हाँ, तो अपने इस गुमराह को, चूंकि अवेयर नहीं है ना, अभी नया नया चीज़ है, आप लोग भी गुमराह हो जाते होंगे कि तो शादी विवाह में तो तुरंत ड्रोन उड़ रहा है, कोई कुछ पता नहीं है। हमने काफी तो वो अनट्रेंड आदमी, जिस ड्रोन की मैं बात कर रहा हूँ वो मिलिट्री में भी जाती है, सरकार के यहाँ भी जाती है, तो क्या इस तरह से ये कानूनों का पालन कर रहे हैं ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया? मुझे संदिग्ध लग रहा है, इसकी जानकारी मैं बार बार दे रहा हूँ, किसकी जांच करनी चाहिए। आपको कुछ उनके गलत कामों की जानकारी भी हुई है इसके बारे में? फेडरेशन के बारे में, हाँ हाँ, तो वो सारे बुकलेट आप लोगों को अभी दिला देंगे। क्या क्या जानकारी आपको मिली? अब जैसे ये भी जानकारी मिली है कि जैसे लाइसेंस इन लोगों के पास नहीं है, जिन लोगों से उड़वा रहे हैं, जिन जो इनके पायलट हैं उनके पास उचित लाइसेंस नहीं है, ये भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया का पालन कर रहे हैं, ये मेक इन चाइना का पालन कर रहे हैं, सारे पार्ट्स इनके चाइना का है। अगर यहाँ से जवाब नहीं मिलता है तो कोर्ट जाएंगे सर आप? जरूर कोर्ट जाएंगे, अब क्या करेंगे, एक उचित मंच वो भी है। ये जो ये ड्रोन उद्योग है ये कितने रुपए का इसमें कारोबार का है? ये हमको अनुमान इसका नहीं है, हाँ। ये
अकेले क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको इसी की जानकारी देनी थी और आज मैंने ये जानकारी फिर से। तो क्या देश भर के जो जितने भी ड्रोन कंपनियां DFI का उन्हीं पे कब्जा है क्या सबका? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, चूँकि हमको लगता है कि ज़्यादा पर इनका कब्जा है, उसी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। हाँ हाँ, चूँकि क्रेडेंशियल का भी मामला हो जाता है कि भाई आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं है, तो सारे एक्सपीरियंस उस अनुसार तो मतलब हवा हवाई है। एक तरह से आपकी बातचीत से लगता है कि मतलब कुछ खास लोग इस मतलब इस हाँ कुछ खास लोग कब्जा जमाए हुए और नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। हाँ, नियमों का अनदेखी कर रहे हैं। अगर नियमों की देखी करके हो जांच में पर्दाफाश हो जाए कि नहीं नहीं ये लोग ठीक कर रहे हैं तो हमको कोई एतराज नहीं है। ड्रोन का गलत कामों में इस्तेमाल हो रहा है क्या, आपको शक है क्या? अब ये कैसे मैं कह सकता हूँ, चूंकि मैं जांच अधिकारी तो हूँ नहीं, मैं तो शिकायत करता हूँ। सीमा पे भी जो है सुरक्षा के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, इसी की आजकल यही चिंता है, ये मेरी चिंता यही है। ये अवेयर है कि ड्रोन उड़ाया जाता है, कैमरा शादी विवाह ये सारी चीज़ें अभी पूरी जनता हम जानते हैं कि पूरी जनता को मालूम नहीं है। नहीं, बाहर देशों में तो ड्रोन से जो है सामान भी सप्लाई किया जाता है आजकल ऑस्ट्रेलिया में। हाँ हाँ, तो वो अलग चीज़ हो गया। हाँ, ना संदिग्ध जगहों पे इनका ड्रोन प्रतिबंधित होना चाहिए जांच के बाद ही। क्या इसके लिए कानून नियम बने हुए हैं कि ड्रोन कैसे उड़ाना, कहाँ उड़ाना, क्या इसका कुछ ऐसा है? DGCA जानते होंगे, DGCA इसी के लिए है ना सर, सिविल एवियन। अब DGCA ही तो जानते हैं कि प्लेन कैसे उड़ाना है, कौन उड़ाएगा। इसके पहले कभी आप यहाँ आए थे? हाँ हाँ, दिए इसके पहले दो बार आपने, 18 महीने पहले दिए थे और फिर फिलहाल डेट याद नहीं है। तो कभी भी मतलब उसको आपको एक प्रॉपर जवाब वहाँ से नहीं मिला DGCA? नहीं, अभी तक नहीं मिला। मतलब DGCA भी कहीं ना कहीं संदिग्ध है इसमें आप? नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ कि चूँकि वो DGCA है कि नहीं, अब कौन DGCA आ गए। हाँ, लेकिन नया अधिकारी तो नहीं मिला ना, हमको जवाब नहीं, हमको जवाब। तीसरी बार आए हैं जी।